हे गाइस, वेलकम बैक. चैप्टर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट. अपने सराउंडिंग में बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजन होते हैं, जैसे गंगा के प्लेन है, राजस्थान का डेजर्ट है, ओडिशा के कोस्टल प्लेन है, हिमालयन माउंटेन है. इन सभी रीजन का एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है. सो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप में कुछ बदलाव लाते हैं ताकि वो इन एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ एडजस्ट कर सके. ये अपन इसी टॉपिक में देखने वाले हैं. हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स. फॉर एग्जाम्पल, कैमल जो होता है वो डेजर्ट में मिलता है, फिश जो होते हैं वो एक्वेटिक रीजन में मिलते हैं, लायन जो होते हैं वो ग्रास लैंड में मिलते हैं. सो ये ऑर्गेनिज्म की वो हैबिटेट होती है. अडेप्टेशन मीन्स ये ऑर्गेनिज्म अपने आप में कुछ बदलाव लाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ एडजस्ट कर सके. जैसे कि कैमल करता है. कैमल मेनली डेजर्ट में पाया जाता है. कैमल अल्सो नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ अडाप्टेशन होते हैं. कैमल के लिए काफ़ी लॉन्ग होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी सैंड के हीट से बचा सके. सेकेंडली, कैमल बहुत कम अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है ताकि वाटर कंजर्वेशन हो जाए. उसका जो फिकल मटेरियल होता है वो भी काफ़ी ड्राई होता है और उसको स्वेट नहीं आता. इन सारी चीज़ों से कैमल अपना वाटर कंजर्वेशन करता है. और फिफ्थ बात ऐसी होती है कि उसके बॉडी में वाटर स्टोरेज के लिए एक स्पेशल फेनोमेनन होता है. तो इन सभी चीज़ों की वजह से वो ड्राई डेजर्ट में सस्टेन कर पाता है. उसी तरह फिश जो होता है वो एक्वेटिक रीजन में रहता है. एक्वेटिक रीजन में रहने के लिए फिश की बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बन जाती है, उसमें स्केल होते ताकि वो एक्वेटिक रीजन में प्रोटेक्शन कर सके. उसका उसकी जो टेल होती है और जो फ्लैट फिन होते हैं वो उसे एक्वेटिक रीजन में डायरेक्शन चेंज करने के लिए इजीली हेल्प करते हैं. जो उसके पास गिल प्रेजेंट होते हैं वो गिल से वो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो गेन करता है और यूज़ कर लेता है. तो इन सभी चीज़ों की वजह से, इन सब ही अडेप्टेशन की वजह से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह पाता है. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट. ये हैबिटेट मेनली दो टाइप के होते हैं. पहला होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल रीजन एंड माउंटेन रीजन. और सेकंड होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे लेक, रिवर एंड ओशन. दोनों हैबिटेट में दो कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड होता है अबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में पूरे लिविंग बींग आ जाते हैं. एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है. सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट, इसमें नॉन लिविंग थिंग आते हैं जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, हीट एक्सेट्रा. अबायोटिक कंपोनेंट ड्राइव करते हैं बायोटिक कंपोनेंट को. कैसे, वो अपन देख लेते हैं. सी, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाइज. अपन हर एक हैबिटेट के बारे में देखेंगे. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अपन पहले देखते हैं डेजर्ट हैबिटेट. पहले अपन ने कैमल के बारे में देखा, लेकिन डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही नहीं होता, तो बाकी के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रैट होते हैं, स्नेक होते हैं. इनके पास तो लॉन्ग लेग नहीं होते, तो फिर ये अपने आप को डेजर्ट के हीट से कैसे बचाते हैं? सो ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करते हैं, अपने आप को ब्यूरो में, मतलब बिल में छिपा लेते हैं ताकि वो हीट से बच सके. और जब नाइट हो जाती है, जब इन्वायरमेंट कूल हो जाता है, तो वो बाहर आ जाते हैं और अपना प्रे ढूंढ लेते हैं. उसी टाइप में ये जो प्लांट होते हैं, सी दीज आर द प्लांट्स. ये जो प्लांट होते हैं उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है. जैसे कि डेजर्ट के प्लांट में लीव नहीं होते और लीव का मॉडिफिकेशन थ्रोन में हो जाता है. और यहाँ ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये उसका स्टेम होता है. डेजर्ट प्लांट स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. दूसरी बात ऐसी होती है कि डेजर्ट के प्लांट जो होते हैं उनमें लीफ इसलिए नहीं होते कि ट्रांसपिरेशन का रेट मिनिमाइज किया जा सके. डेजर्ट ट्रिप के जो स्टोमेटा होते हैं लीफ के, वो स्टोमेटा संकन स्टोमेटा होते हैं. ये जो स्टेम होता है, उस स्टेम पर एक वैक्सी लेयर होता है. वैक्सी लेयर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से. फोर्थ थिंग ऐसी कि डेजर्ट प्लांट के जो रूट होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो इन द सर्च ऑफ वाटर वो बहुत दूर तक जाते, तो वेरी डीप रूट होते हैं डेजर्ट प्लांट के. माउंटेन रीजन के जो प्लांट होते हैं वो कोन शेप के प्लांट होते हैं, और उसके जो लीफ होते हैं वो निडल लाइफ लीफ होते हैं, ताकि उस पर बर्फ़ अगर गिरे तो वहाँ पर
रुके नहीं, वो नीचे आ जाए। वहाँ पर के जो ऑर्गेनिज्म होते उनके पास बहुत थिक फर होते, उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते ताकि कोल्ड कंडीशन से बचा जा सके। जो लियोपार्ड है उसके फर बहुत थिक होते हैं और पूरी बॉडी कवर कर लेती है। ये जो याक है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सेस बाल होते हैं, और ये जो गोट है उसके जो होज़ है, उसके जो पाँव के जो होज़ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं ताकि वो माउंटेन पर अच्छी तरह से चढ़ सके। ग्रासलैंड में जनरली लायंस मिलते हैं, टाइगर्स मिलते हैं, डियर मिलते हैं, तो इन्वायरमेंट ने इनमें भी कुछ अडाप्टेशन दिए हैं ताकि वो वहाँ पर सस्टेन कर सके। फॉर यहाँ एग्जांपल पर प्रेडेटर जो होता है वो है लायन, उसके जो ब्राउन कलर होता है लायन का वो उसे कैमोफ्लेज करने के लिए हेल्प करता है सराउंडिंग में। सेकंड थिंग, लायन के जो आईज़ होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ फेस होते ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन प्रे की डिटेक्ट कर सके। इसी तरह जो प्रेडेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल डियर जो है, उसमें भी कुछ अडाप्टेशन हुए होते। फॉर एग्जांपल उसके पाँव बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि वो बहुत दूर तक भाग सके। सेकेंडली, उसके जो दांत होते काफ़ी स्ट्रांग होते ताकि वो च्यूइंग अच्छा कर सके। थर्ड थिंग ऐसी होती कि उसके जो कान होते वो बहुत सेंसिबल होते, जो कि छोटी से छोटी मूवमेंट भी डिटेक्ट कर सकते। फोर्थ थिंग ऐसी होती है कि उसके जो आइज़ होते दैट इज़ अ साइड वे होते, जो लायन के आइज़ होते वो इन फ्रंट ऑफ फेस होते, लेकिन जो डियर के आइज़ होते वो बाजू में होते। लायन के आइज़ उसे 180 डिग्री व्यू देते हैं, 180 डिग्री में वो देख सकता है लायन, लेकिन जो डियर होता है वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री में देख पाता है। एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में अपन ओशन देखेंगे। ओशन में जैसे अपन ने पहले देखा कि फिश को देखा, उसी सिर्फ फिश ही नहीं तो बहुत सारे क्रिएचर्स ओशन में होते हैं। जनरली ओशन क्रिएचर में फिश में स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन ऑक्टेपस, स्क्विड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म में स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो डीप सी में रहते हैं, लेकिन जब भी वो स्विम करते हैं तो अपने आप को स्ट्रीमलाइन शेप ले लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल होते जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर, ऑर्गेनिज्म में गिल नहीं होते, वो अपने नॉस्ट्रिल से और ब्लो होल से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डॉल्फिन है, वेल्स है, उन्हें बार बार सी सरफेस पर आना होता है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, इसलिए वो ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकते। पॉन्ड सैंड लेक एक हैबिटेट है, इसमें जो अपने को पौधे मिलते हैं, ये जो प्लांट मिलते हैं वो प्लांट के रूट ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होते। जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन भी असर करना होता है, लेकिन प्लांट जो एक्वेटिक रूट होते हैं उनका मेन पर्पस सिर्फ प्लांट को होल्ड करना होता है एक जगह पर, इसलिए वो काफ़ी मिनिमाइज हुए होते हैं। एक्वेटिक प्लांट का जो स्टेम होता है वो काफ़ी लॉन्ग और हॉलो होता है ताकि प्लांट के लीव्स और फ्लावर्स पानी पर तैर सके। एंड जो सबमर्ज होते हैं उनको जो लीफ होते वो हाईली डिवाइडेड होते ताकि वाटर का फ्लो उन्हें डैमेज ना कर पाए। फ्रॉग कैन लिव इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। फ्रॉग में जो अडेप्टेशन होता है उसके स्ट्रॉन्ग बैक लेग होते वो उसे लीपिंग के लिए और कैचिंग प्रे के लिए हेल्पफुल रहते हैं। उसी तरह उसके पाँव में वेब होती है वो कि उसे स्विमिंग में हेल्प करती है। पहले अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड्स ताकि उस फूड से उसे एनर्जी मिल सके और वो उस एनर्जी से वो अपने बॉडी फंक्शन जो होते वो कैरी कर सके। दूसरी बात है, लिविंग थिंग शोज ग्रोथ। ग्रोथ अपने में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है, उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। ये फेज ऑफ ग्रोथ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। जो अपन फूड लेते हैं उससे एनर्जी गेन करने के लिए रेस्पिरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होती है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। रेस्पिरेशन सिर्फ नोज से ही नहीं होती, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग फेनोमेना डेवलप हुई है। जैसे कि अर्थ वर्म होता है वो अपनी स्किन से रेस्पायर करता है, फिश जो होता है वो अपनी गिल से रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉग जो होता है वो अपनी स्किन से रेस्पायर कर सकता है। उसी तरह जो अपने प्लांट होते हैं वो अपने लीव से रेस्पायर करते हैं। प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसी तरह
ऑर्गेनिज्म एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग इज दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो अपने सराउंडिंग में जो भी स्टिमुलेशन होता है उसको लिविंग बींग रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन चलते चलते अगर अपने पाँव के नीचे कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ गया तो अपन फटक से अपना पाँव अपना पैर बाजू ले लेते, ये उस स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स होता है। वैसे ही जो कुछ प्लांट होते हैं उसके फ्लावर होते हैं जो सिर्फ नाइट में ही ब्लूम करते हैं, जैसे सनसेट होता है कुछ प्लांट के फ्लावर क्लोज हो जाते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि मेमोसा, उसे टच करते हैं उसकी पंतियाँ, उसकी जो लीफ होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये दिस इज द स्टिमुलेशन टू सराउंडिंग। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी अपन फूड खाते हैं उस फूड का पूरा के पूरा पोर्शन बॉडी यूज़ नहीं करती है, उसमें से इम्पॉर्टेंट पोर्शन बॉडी एनर्जी के रूप में ले लेती है और बाकी का जो वेस्टेज होता है वो एज एक्सक्रीशन बाहर निकाल देती है। एक्सक्रीशन कैन बी फिकल मटेरियल और यूरिन वेस्ट। कुछ प्लांट उसका एक्सक्रीशन एज ए सिक्रीशन निकाल देते हैं। रिप्रोडक्शन, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस। एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्शुअल और असेक्शुअल। जनरली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीन इन द एनिमल्स एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीन इन द प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज मूवमेंट। जनरली एनिमल शोज मूवमेंट बट प्लांट मूवमेंट शो नहीं करते। मूवमेंट मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन वेरियस सब्सटेंस होते हैं उसमें जैसे कि वाटर, मिनरल्स और फूड, जो कि एक पार से दूसरी पार तक जाते हैं, उनकी मूवमेंट हो जाती है। दूसरी बात, प्लांट की जो रूट होते हैं वो बहुत डीप मूवमेंट शो करते हैं इन द सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। दूसरी मूवमेंट प्लांट शो करते हैं ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड क्लोजिंग। और कुछ प्लांट जैसे कि मेमोसा होते हैं वो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्स करते हैं। जब उसे अपन टच करते हैं तो उसकी जो लीफ होती है वो क्लोज हो जाती है, और जैसे अपन अपना हाथ बाहर लेते हैं उसकी लीफ ओपन हो जाती है। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज डेथ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होती है डेथ। जो पैदा होता है उसकी डेथ होती ही है। सो अपन ने इस टॉपिक में देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, दे रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड लास्टली डाइज। सो कमिंग टू द कीवर्ड, दैट इज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन आपने देखा, लिविंग बींग मेक चेंजेस इन देमसेल्फ टू कोप अप विद द एनवायरमेंट नोन एज अडाप्टेशन। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स मरीन हैबिटेट, पानी में जो होती है उसे हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट होते कौन से होते हैं, जो कि लिविंग बींग होते हैं। एवरी लिविंग बींग कम अंडर द बायोटिक कंपोनेंट, उसमें एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट बनाते हैं। एक्सक्रीशन, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बाहर निकालने को, बॉडी के बाहर निकालने को ऑर्गेनिज्म यूज नोन एज द हैबिटेट। लिविंग मीन्स जो कि जिंदा है। लिविंग की अपन ने कैरेक्टरिस्टिक अभी देखे है ना, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, नीड फूड, दे रेस्पायर, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे रिप्रोड्यूस, दे शोज मूवमेंट, दे ग्रोज एंड लास्टली दे डाइज। नेक्स्ट कीवर्ड इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स गिविंग बर्थ टू यंग वन। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्शुअल और असेक्शुअल। रेस्पायरेशन, टेकिंग रेस्पायरेशन इज द इम्पोर्टेंट फेनोमेना ऑफ एनर्जी क्रिएशन है ना। तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी टाइप में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट एम होता है एनर्जी जनरेट करना, किससे, जो अपन ने फूड खाया हुआ है उससे। और नेक्स्ट है, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडाप्टेशन। द हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्स ऑन अ लैंड आर कॉल्ड टेरिटोरियल हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल द
दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश डैश हैबिटेट. क्या बोलते हैं उसको? एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं. सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश डैश फैक्टर ऑफ हैबिटेट. कौन सा फैक्टर है वो? अबायोटिक फैक्टर है. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड, वॉट इट कॉल्ड? इट कॉल्ड स्टिमुलाई. सो दैट्स इट. थैंक यू.